हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एज यू हब पॉइंट में। दोस्तों, राजस्थान के संदर्भ में बहुत बड़ी खबर आ रही है। रीट 2020 का आगाज हो चुका है। कब होगी, कितने पद होंगे, किस तरह से एग्जाम लिया जाएगा, इस सब की डिटेल मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ आप लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। इसके अलावा मैं आपको तीन और वैकेंसीज के बारे में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, 31,000 पदों पर 2 अगस्त को रीट होने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, गहलोत सरकार का बेरोजगारों का एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। 31,000 पोस्ट जो कि बहुत ज़्यादा हैं, उसको भरने के लिए 2 अगस्त 2020 को रीट आयोजित होगी। इसमें जनजाति उपयोजना, जिसको TSP क्षेत्र बोला जाता है, इसमें 6,080 पद उनके लिए रिजर्व रहेंगे। इसके अलावा व्याख्याता पदों पर भर्ती भी होगी, जो कि सितंबर 2020 में होने वाली है। अभी जनवरी में जो व्याख्याता भर्ती है हो रही है, उसके लिए आंदोलन चल रहा है। उसको स्थगित करने के लिए इन्होंने दोबारा भर्ती निकाली है और वो भर्ती की जो परीक्षा होगी वो सितंबर 2020 में होगी। शिक्षा राज्य मंत्री ने ट्वीट करके कल ये जानकारी दी और उन अभ्यर्थियों को बोला है कि आपको एक और मौका दिया जा रहा है, इसलिए आप आंदोलन से हट जाएं। इसमें एक खास प्रावधान लेवल 2 की भर्ती के लिए रखा गया है। उसमें निर्णय लिया गया है कि लेवल 2 की भर्ती में विषय विशेषज्ञों के चयन के लिए विषय की गहन जानकारी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही तृतीय श्रेणी अध्यापक को प्रदेश के दूरदराज क्षेत्र में अध्यापन करना होता है, इसलिए उन्हें राजस्थान के बारे में स्वाभाविक रूप से जानकारी होना आवश्यक है। और प्रश्न पत्रों को इस तरह तैयार किया जाएगा कि राजस्थान के बच्चों को उसमें ज़्यादा फायदा मिले। इसके अलावा पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के 21 पदों पर भर्ती के लिए भी एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। लोकसभा सचिवालय में 21 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें कोई भी बैचलर डिग्री के जिसने की है वो आवेदन कर सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2020 होगी और बैचलर डिग्री के साथ आपके पास हिंदी और अंग्रेजी शॉर्ट हैंड लेखन में 160 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी कंप्यूटर में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए। आयु सीमा 40 वर्ष दी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसमें लिखित परीक्षा, शॉर्ट हैंड टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर योग्य आवेदकों का चयन होगा। टेस्ट पेपर 100 अंकों का होगा, 10 मिनट डिक्टेशन के लिए मिलेंगे और इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन के लिए 1.5 घंटा और हिंदी ट्रांसक्रिप्शन के लिए लगभग 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा नाबार्ड ने भी ऑफिस अटेंडेंट के लिए, जो सिर्फ 10th पास जिसमें योग्यता मांगी गई है, उसके लिए 73 पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। SC ST के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए फीस 50 रहने वाली है और ऑल अदर कैटेगरी के लिए फीस 450 रुपीज़ रहने वाली है। पेमेंट ऑनलाइन होगा, एप्लीकेशन भी ऑनलाइन ही फिल होगी। स्टार्टिंग डेट रहेगी 25 जनवरी और लास्ट डेट 25 दिसंबर और लास्ट डेट रहेगी 12 जनवरी। लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशन रहेगी 27 जनवरी और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है वो फरवरी में होने वाली है। मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 30 ईयर। ज़्यादा जानकारी के लिए नाबार्ड की वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट असिस्टेंट वैकेंसीज के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है। मैक्सिमम एज 35 ईयर है और जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। इसके अलावा आपके पास इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कुछ एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। पोस्ट हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट, दोनों की 95-95 पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइबर बटन के पास जो बेल आइकन है उसको पुश करना ना भूलें। ज़्यादा जानकारी के लिए आगे तक बने रहें एजुहब पॉइंट के साथ। धन्यवाद।